Shall we ask the Lord to bless His word to us this morning? आए हम परमेश्वर से कहेंगे कि उसके वचनों पर वो आशीष डाले। Father, we thank you for this time that you've given us. पिता हम धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमें दिया है। We thank you for the great calling and the choice that you made over our lives. और एक बड़ा बुलावा और एक चुनाव जो आपने हमारे जीवन पर किया है। While we were yet sinners, Christ died for us. और जब हम पापी थे, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए मरा। And in your own wisdom, you have called us to become your children. और आपके खुद के बुद्धि में आपने हमें आपका संतान कहलाया है। You have taken us in when we were wandering, Lord. और जब हम भटके हुए थे, तब आपने हमें बुलाया। So that your purposes can be fulfilled in and through our lives. ताकि आपका उद्देश्य जो है हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो सके। In Jesus' name we pray, even as we hear this word. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जब हम इस वचन को सुन रहे हैं। Amen. Amen. Yeah. Today the topic is why preach the gospel. और आज का विषय जो है क्यों हम सुसमाचार प्रचार करें? You will see all over the world there's a great opposition for the preaching of the gospel. और पूरे संसार भर में हम देख रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए विरोध आ रहा है। Yes, there is a even the so-called Christian nations. Have stopped preaching the gospel. और जो मसीह राष्ट्र है जो कहलाए जाते हैं उन्होंने भी सुसमाचार का प्रचार करने से रोक डाली है. They have reaped the benefits of the gospel. और सुसमाचार का लाभ उन्होंने उठाया है. To come up and develop themselves in life. और फिर अपने आप को पूर्ण तरीके से तैयार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है. They have developed well in education. और पढ़ाई में उन लोगों ने उत्तमता प्राप्त की है. एंड ऑल्सो इन सोशल वेलफेयर और सामाजिक कार्य में भी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद द प्रिंटिंग ऑफ द बाइबल. और इसकी सारी की शुरुआत जो है पवित्र शास्त्र छापने से हुई. एंड देन व्हेन पीपल बेस देयर लाइफ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड देयर लाइव्स चेंज्ड देयर एंटायर नेशन चेंज्ड. और जब लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर के वचनों पर आधारित किया तो उनकी परिस्थिति बदल गई, उसके राष्ट्र की परिस्थिति बदल गई। But at the same time, today there is a great objection to preach the gospel. और आज हम देख रहे हैं अधिक विरोध है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। And to name Jesus Christ as the only savior of the world. और ये कहने के लिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक ही इस संसार का उद्धार करता है। I don't know whether you are watching the news, what's happening in Eastern Europe. और ईस्टर्न यूरोप जो है आप न्यूज समाचार देख रहे हो? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या चल रहा है इस जगह पर। So in the last 10 days around 50,000 people have been killed and millions have lost their homes. और फिर 52,000 ऐसे प्रचारक को मारा गया है और लाखों में लोगों ने अपना घर खो दिया है। You know why? Because Armenia and Azerbaijan are at war. और आर्मेनिया अज़रबैजान ये यहाँ पर युद्ध हो रहा है। And it's a terrible war which we need to understand this. और एक एक खौफनाक ऐसा युद्ध हो रहा है जो हम सोच के हमारे प्रलय है। Cities are being destroyed by ballistic missiles. और जो मिसाइल जो है उसके द्वारा इसका नाश हो गया है। And thousands of you know ammunition material is being bombarded all over these cities. हम देखते कि हजारों में ऐसे औजार जो है जो बॉम्बार्डिंग करके पूरा नाश किया गया है। And also there is a very clear cut evidence that there's a division between the two. और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ऐसा गवाह है कि दोनों के बीच में एक अलगाव है। Turkey is supporting Azerbaijan. और टर्की जो है अजरबैजान को साथ दे रही है। And along with Turkey stands Pakistan. और टर्की के साथ में पाकिस्तान खड़ा है। And then there are some other nations which are supporting Turkey. और ऐसे दूसरे राष्ट्र भी है जो टर्की के साथ दे रहे हैं। Now Azerbaijan is a Muslim nation. और अजरबैजान जो है एक मुस्लिम राष्ट्र है। And Armenia is a Christian nation. और आर्मेनिया जो है एक क्रिश्चियन राष्ट्र है। And on the other side, you have Armenia, which is being supported by Russia. और आर्मेनिया जो इसको रशिया साथ दे रहा है. And there are other nations which are supporting, like Great Britain and others,
are supporting Armenia. और फिर ग्रेट ब्रिटेन जो है और से राष्ट्र जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। Tell you is that see the way the wars are happening. और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, देखो किस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं। The way the climate is changing. और किस प्रकार से वातावरण जो है वो बदल रहा है। Yes, we still have monsoon which has not retreated from Bombay. और फिर अभी भी हम देख रहे कि बारिश जो है वो बंबई से नहीं चला गया। It is still there. और अभी भी बंबई में है। Right in the month of October, it's harvest time. और ये अक्टूबर के महीने में जहां पर फसल की समय है, फसल कटनी के समय है। Yes, still now there is rain. और फिर भी अभी भी बारिश है। So everywhere we find that there is there are indication that the Lord's coming is very very near. और हर तरीके से हम देख रहे और इस बात से पता चल रहा है कि प्रभु का आना जो है वो निकट है। Yes, there are so many people who died in the coronavirus disease. और बहुत से लोग जो है इस coronavirus के जंतु से जिनकी मृत्यु हुई है। There are many many who died with these storms and floods that have happened. और फिर ये तूफान जो हुआ उससे भी बहुत से लोग मरे। So many died in Bihar in the floods. और बहुत से लोग बिहार की बाढ़ में मर गए। Hyderabad, which is known as dry land, has got floods this year. और हैदराबाद जो सूखी भूमि से पहचान होती है वहां पर भी बाढ़ आई। We understand that there are changes, there are indications that the Lord is coming. और हम देख रहे कुछ बदलाव हो रहे हैं और अलग अलग बातें दिखाई दे रही है जिससे पता चलता है कि प्रभु का आना जो है वो निकट। Why do we preach the gospel? तो क्यों हमें सुसमाचार का प्रचार करना है? The desire in our hearts and also the Lord's desire that none should perish. और हमारी दिल की जो चाहत है और परमेश्वर भी यही चाहता है कि किसी का नाश ना हो। In 1 Corinthians chapter 9 verses 16 and 17 we shall see that. और पहले करिंथियों के पत्र इसका 9 अध्याय 16 और 17 वचन हम देखने वाले हैं। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। Amen. What is Paul saying here? और यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? For if I preach the gospel, I have nothing to boast. That means I have not done a great job. अगर मैं परमेश्वर के वचनों का प्रचार करता हूं तो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। This is something which you have to do. और ये तो हमें करना ही है। Yes, like suppose you go and pay the electricity bill and call up Adani and say, I paid the bill. Is he going to say, wonderful, wonderful? Is he going to say that? अगर आप जाके electric bill भरते हो और अडानी को call करते हो और कहते हो कि मैंने light का bill भर दिया है, तो क्या वो आपको शाबाशी देगा? No, it is supposed to do. You don't have to boast about it. ये तो हमें करना ही है, इस पर घमंड नहीं करना। Same way when you buy a railway ticket or a plane ticket or whatever it is, you're not doing a favor. You cannot boast about it. You're supposed to do. जब आप रेल की टिकट या हवाई जहाज की टिकट खरीदते हो तो कुछ घमंड करने की जरूरत हो तो आपको खरीदना ही है। So he says, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of. I don't have to show, make a big show that I'm preaching the gospel. और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, मुझे घमंड नहीं करना है। But the word of God says, for necessity is laid upon me. That is my essential service. और क्योंकि ये अवश्य सेवा जो है ये तो करनी ही है। Yes, it's an essential service. I mean, I have to do it. और ये अवश्य सेवा है जो मुझे करनी ही है। Necessity is laid upon me. That means I have a deep desire and I am compelled to preach the gospel. ये अवश्य जरूरत जो है वो मुझ पर डाली गई है और मुझे सुसमाचार का प्रचार जो है वो करना ही है। I am not pleasing the pastor. और मैं मेरे पासबान को खुश नहीं कर रहा हूं। I am not pleasing my house group leader. और मेरे जो house group leader जो है उसको मैं खुश नहीं कर रहा हूं। I am not pleasing my husband or my wife.
और मैं मेरे पति या पत्नी को खुश नहीं कर रहा हूं. This is a necessity which is there upon my life that I have to preach. और ये अवश्य जरूरी बात है मेरे जीवन पर, और ये मेरे जीवन पर है. And again he says, woe is to me if I do not preach the gospel. यदि मैं सुसमाचार न सुना तो मुझ पर हाय. Yes. What is he saying? That if I forsake my essential service, then woe is on me. और अवश्य जरूरत अगर इसको मैं टुकराता हूं तो मेरे जीवन पर हाय. Amen. I want you to understand what this essential service is looks like. और ये अवश्य जरूरत किस प्रकार से दिखती है मैं आपको बताना चाहता हूँ. Suppose the BMC truck doesn't come and pick up the garbage from the road street corner. अगर BMC का ट्रक अगर कचरा वो कचरा कुंडी से अगर नहीं ले जाता है. So what do we say? फिर हम क्या कहते हैं? Woe is that person who does not do his job. हाय उस व्यक्ति को जो ये काम नहीं कर रहा है. Yes. Same way it can happen to electricity. और वही बात वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो सकती है. Can happen to gas connection. और ये गैस कनेक्शन के साथ हो सकता है. It can also happen to the ration. और ये ration के साथ हो सकता है. Can happen to your milk shop. फिर आपका जो दूध का दुकान है वहां पर हो सकता है. When all these services are offered, they cannot boast they have to do it. और ये सारे जो कार्य जब उनको करना पड़ता है वो घमंड नहीं कर सकते कि हम ये कर रहे हैं. They are supposed to do it. और उनको ये करना ही है. And if they don't, अगर ये नहीं करते, then woe is to them. और फिर इस प्रकार से हाय उनके जीवन पर. Yeah, that's exactly what Paul means. That my job, as I am alive, I have been saved by the blood of Jesus. There is necessity laid upon me to preach the gospel. And if I don't, woe is me. अगर मैं जीवित हूँ और प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है तो ये अवश्य है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं. Yes, in whatever talent God has given us, I will preach the gospel. और जो भी गुण परमेश्वर ने हमें दिया है मैं परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करूंगा. Maybe you cannot preach like Ravi Zacharias. और रवि जकरिया के समान आप प्रचार नहीं कर सकते. Maybe you don't preach like Dr. Billy Graham. डॉक्टर बिली ग्राम के समान आप प्रचार नहीं कर सकते. बट सर्टनली यू कैन बिकम एन एंड्रू एंड ब्रिंग द पीपल टू द लॉर्ड. और आप एंड्रू बन सकते हो और लोगों को परमेश्वर के भवन में ले आ सकते हो. बट इफ यू डोंट डू एनीथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं करते, बाइबल सेज वो इज मी. और पवित्र शास्त्र कहते हाय उस व्यक्ति पर. यस, एंड देन इट सेज फॉर इफ आई डू विलिंगली आई हैव अ रिवॉर्ड. और फिर वचन इस प्रकार से कहता है क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है. That means if I do it cheerfully and with all my will, then there's a reward awaiting for me. जब मैं आनंदित होकर करता हूं, मेरे इच्छा से करता हूं, तो मजदूरी मुझे मेरी राह देख रही है. Yes, that means I'm waiting for a reward when I do it willingly with no selfish desire. और जब खुद गर्दी उसमें नहीं है, मैं अपने स्वयं इच्छा से करता हूं, तो मजदूरी जो है वे मेरी प्रतीक्षा कर रही है. And then it says, but if against my will, यदि अपने इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में करते हो, that means no, not like that. That means even if my will is not there to do this, to present the gospel, अगर मेरी इच्छा भी नहीं है परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बट येट आई डू इट, फिर भी अगर मैं करता हूं, देन इट सेज आई हैव बीन एंट्रस्टेड विद अ स्टीवर्डशिप. और तभी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है. व्हाट डज स्टीवर्डशिप मीन? और भंडारीपन इसका अर्थ क्या है? इट मींस गुड अकाउंटेबिलिटी. और इसका अर्थ है कि एक अच्छा हिसाब देने वाला. यस, दैट मींस इफ गॉड हैज गिवन अस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, I preach the gospel whether I like it or I don't. परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं, मुझे पसंद हो या नहीं हो. Now we are dealing with the topic, why preach the gospel then? और आज जो हम विषय को देख रहे हैं, क्यों सुसमाचार प्रचार करें? First of all, because of what man is.
फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट मैन इज, व्हाट इज अ मैन, और प्रथम बात इसलिए क्योंकि मनुष्य कौन है, क्या है, अ मैन इज अ सिनर, और एक मनुष्य पापी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर कल्चर क्लास और क्रीड, और फिर किसी प्रकार का रंग क्यों ना हो, किसी प्रकार का स्तर क्यों ना हो, यस व्हाटएवर बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम ही इज अ सिनर, कोई भी पृष्ठभूमि से क्यों ना वो आता हो वो पापी है, यस सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई प्रीच द गॉस्पेल बिकॉज ऑफ व्हाट मैन इज, और सबसे प्रथम मैं सुसमाचार इसलिए प्रचार करता हूं क्योंकि जो मनुष्य है इसलिए. So in Romans chapter 1 verse 15, and रोम का पत्र इसका पहला अध्याय 15 वचन. अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं. Yes, for as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. That means Paul is saying, whether you're in Rome or somewhere else, it is my desire and I'm ready to preach the gospel. What does ready to preach the gospel mean? और पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि आप रोम में हो या और कहाँ पर भी हो, मैं तैयार हूँ परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए. Before that he says, as much as in me. Before that he says, as much as in me. वो पहला ये कहते हैं, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो. What does it mean? That means whatever I have in my own capacity, whatever I can, if I can run, I will run. If I can walk, I will walk. If I can stand, I will stand. I will put all of my effort to preach the gospel. और जो भी मुझ में है, अगर मैं दौड़ सकता हूँ, अगर मैं चल सकता हूँ, अगर मैं खड़ा रह सकता हूँ, जो भी मेरे पास है उस सारे बातों को मैं लगाऊंगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए. You see, God does not want a lazy worker. और परमेश्वर जो एक आलसी काम नहीं चाहता. Neither does he want a person who's looking for excuses. और ऐसा भी व्यक्ति नहीं चाहता है जो बहाने बनाता है. Jesus Christ very clearly said, प्रभु यीशु क्राइस्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा, If you put your hand to the plow and look back, then you are not worthy of me. अगर आप हल की ओर अपना ध्यान लगाते हो और फिर पीछे मुड़ते हो तो आप उसके योग्य नहीं हो. That means your focus is changing. इसका अर्थ यह हुआ कि आपका लक्ष्य जो है वो बदल रहा है. Your ears are open to something which the world is trying to tell you. और आपके कान खुले जो संसार कहना चाहता है वो सुनने के लिए. So when you hear these words, you leave your hand on the plow and turn back. और जब ऐसी बातों को आप सुनते हो, अपना हाथ उस हल से निकालते हो, पीछे मोड़ कर चलने लगते हो. And you're more concerned about yourself. और आप अधिक चिंतित खुद के बारे में हो. So Paul said, even if it is Rome, it's Rome. I will do my best. I will invest my best. I will see that the gospel reaches Rome. और फिर अगर गलत है तो गलत है, पर मेरी उत्तम बातें, मेरा धन, हर बातों को मैं लगाऊंगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए. For verse 17, Romans chapter 1 verse 17. और रोमियों का पहला अध्याय और 17 वचन. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. Yes. So what is it? Why is it that he wants to preach? Because of what man is. And man is, his understanding is, righteousness is all by himself. और क्यों वो प्रचार करना है चाहता है? क्योंकि मनुष्य सोचता है धार्मिकता जो है वो उसी के पास है. All his ideas, all his plans, all his culture, all his ways of thinking, he thinks can save him from sin and death. और मनुष्य की सोच जो है, मनुष्य की योजना जो है, और वो सोचता है कि उसकी सोच जो है उसको बचा लेगा. So when we preach the gospel, और जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, the righteousness of God is revealed, not the righteousness of man, which is as filthy rag. और परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो प्रकट हो जाती है, मनुष्य की धार्मिकता नहीं. Yes, man's righteousness is like filthy rag. और मनुष्य की धार्मिकता जो है वो एक चिंदी के समान है. But the righteousness of God,
परमेश्वर की धार्मिकता जो है इट सेव्स अस फ्रॉम सिन एंड डेथ एंड कॉजेस अस टू गेन इटर्नल लाइफ, और वो हमारा उद्धार करता है पाप से और मृत्यु से और हमें अनंतकालिक जीवन देता है. सो पॉल सेज दैट फॉर इन इट इन द गॉस्पेल द राइटियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ. और पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो सुसमाचार में ही प्रकट होती है. So when I receive the gospel, और जब मैं सुसमाचार को स्वीकार कर लेता हूँ, I see the righteousness of God, which is so different from the righteousness of man. और फिर मैं परमेश्वर की धार्मिकता को देखता हूँ, जो मनुष्य की धार्मिकता से अलग है. In the righteousness of man, it is about judgment. और परमेश्वर की धार्मिकता जो है, मनुष्य की धार्मिकता जो है, वो न्याय के बारे में है. But the righteousness of God dispenses grace and mercy. और परमेश्वर की धार्मिकता जो है उसमें अनुग्रह है और दया है. And so we hear that in this once the righteousness of God is revealed, और जब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाती है, we move from faith to faith. और हम विश्वास और विश्वास से आगे बढ़ते हैं. Not one faith to another, but from the gospel faith to one level to the next level. और फिर सुसमाचार को जो विश्वास है एक स्तर से हम दूसरे स्तर की ओर जाते हैं. Yes, because for life we need movement. और जीवन के लिए आगे बढ़ना जरूरी है. And so he says the just shall live by faith. और इसलिए वो कहते हैं विश्वासी धर्मी जन जीवित रहेंगे. Yes, so when a just lives by faith, जब एक धर्मी विश्वास में जीता है, he can live because the righteousness of God is revealed. और वो इसलिए जी सकता है क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो प्रकट हुई है. And he starts understanding that every challenge in his life, he can move from faith to faith, faith to faith. और फिर उसको समझ में आता है हर जीवन की चुनौती जो है उसमें एक विश्वास से दूसरे विश्वास के स्तर तक वो आगे बढ़ सकता है. And from grace upon grace upon glory upon glory, he goes on. अनुग्रह से अनुग्रह तक और अनुग्रह से महिमा से महिमा, महिमा से महिमा तक. Yeah, so glory to glory, faith to faith, grace to grace, we go on growing as we see challenges in our life. फिर महिमा से महिमा तक, विश्वास से विश्वास तक और अनुग्रह से अनुग्रह तक. Also in Romans chapter 3 and verse 23, और रोमियों के पत्र इसका तीसरा अध्याय और 23 वचन, it says for all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सब yes, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. Yes, all have sinned. There's a, you know, I am compelled and I want to preach the gospel because all of mankind has sinned. और मैं जानता हूँ, मैं सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ क्योंकि सारे मनुष्य ने पाप किया है. Yes, so that is one of the things. Why do I preach the gospel? Because of what man is. और क्यों मैं परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करता हूँ? क्योंकि जो मनुष्य है इसके वजह से. Now the next reason why I preach the gospel is because of what God is. और दूसरा कारण मैं सुसमाचार प्रचार इसलिए करता हूँ क्योंकि जो परमेश्वर है इस कारण. A savior, वो एक उद्धार करता है. The holy one, वो एक पवित्र है. Just and unchanging, और वो कभी ना बदलने वाला है. Because God's character is of this kind, I am preaching the gospel. क्योंकि परमेश्वर का चरित्र जो है वो इस प्रकार का है, इसलिए मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ. So when I preach Jesus Christ, जब मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रचार करता हूँ, I am preaching and I am telling the people about one who can save them from their sin. और जब मैं प्रचार करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो आपको पाप से क्षमा करेगा. And the one who is holy, और जो पवित्र है. And the one who is unchanging, जो न बदलने वाला है. Whose mind is not wavery, but is stable, और उसका मन डगमगाता नहीं बल्कि वो स्थिर है. And one who is like the rock on which you can stand,
अब वो एक चट्टान है जिस पर आप खड़े रह सकते हो. आई एम प्रेजेंटिंग जीसस क्राइस्ट एज वन हू इज डिपेंडेबल. और मैं प्रभु यीशु क्राइस्ट के बारे में बताता हूं जिस पर हम निर्बल रह सकते हैं. एंड आई ऑल्सो रिवील टू हिम द गॉस्पेल दैट बिल्ड्स हिम फ्रॉम फेथ टू फेथ. और ऐसा सुसमाचार मैं उसे बताता हूं जो एक विश्वास से एक विश्वास के स्तर पर बढ़ सकते हैं. That he no longer has to depend or try his own methods of righteousness. फिर हम उस पर निर्बल नहीं रह सकते खुद के कार्य पर धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए. Or his own culture or all the kind of traditions that he was following. और जो रीति रिवाज में वो चल रहा था उसमें नहीं बल्कि परमेश्वर में चलने के लिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं. These are only forms of holiness. और ये सिर्फ एक दिखावा है पवित्रता का. But the real holiness lies in the person of Jesus Christ. और सच्चा पवित्रता जो है वो प्रभु यीशु क्राइस्ट में ही है. Yes, and so what I do when I preach the gospel. इसलिए मैं क्या करता हूँ जब मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ. Yes, let's look at Romans chapter 3 and verse 26. और रोमियो इसका तीसरा अध्याय और 26 वचन हम देखेंगे क्या कहता है. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो. Yes, first thing, why do I preach the gospel? क्यों मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ? First point was what because of what man is. पहला मुद्दा ये क्योंकि जो मनुष्य है इसके वजह से. The second one is talking about who God is. दूसरा मुद्दा ये कि परमेश्वर कौन है. To demonstrate at the present time his righteousness. Why preach the gospel to demonstrate at the present time his righteousness. और इस समय में जब हम उसका सुसमाचार प्रचार करते उसकी धार्मिकता प्रकट हो इसलिए. Does it talk about 2000 years? क्या वो 2000 साल पहले की बात कर रहा है? The gospel was true 2000 years ago is true even today. 2000 साल पहले सुसमाचार सत्य था आज भी वो सत्य है. It's the present time. और इसी समय में भी. That is today the gospel is true. और इसी समय में भी सुसमाचार जो है वो सत्य है. Because you know it demonstrates, it shows to us the righteousness of God. और फिर प्रकट करती है परमेश्वर की धार्मिकता को. It's not about just talking. और सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है. It's not about just you know kind of imagination. और सिर्फ एक हमारी सोच नहीं है. You see, present time is the time of Jesus Christ. और इसी समय जो है वो प्रभु यीशु क्राइस्ट का है. You see, I'll tell you something. In the Old Testament, they heard prophecies about Jesus. और जुने करार में प्रभु यीशु क्राइस्ट के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी सुनी. And they were waiting for the Messiah to come. और वो मसीहा के आने के राह देख रहे थे. But the present time, that's the time when we are here on this earth. और इसी समय में इस वर्तमान काल में जब हम इस संसार में हैं, we have seen the demonstration, that is the revelation of the Son of God. और हमें प्रकट हुआ है, हमें पता चला है प्रभु यीशु क्राइस्ट का वो प्रकटीकरण. And the demonstration was such that while we were yet sinners, God demonstrated his love to us. And Christ died for us on the cross. और परमेश्वर ने अपना प्रमाण इस प्रकार से दिया कि जब हम पापी थे प्रभु यीशु क्राइस्ट हमारे लिए मरा. I can talk about a lot of theories. अब बहुत सारी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा. But the demonstration proves the theory. और वो प्रमाण जो प्रभु यीशु क्राइस्ट ने दिखाया उस थ्योरी को सिद्ध करता है. Yes, so we must understand there are a lot of theories in science. और वैज्ञान में ऐसी बहुत सारी थ्योरी है. बट वी अंडरस्टैंड द थ्योरी हैज टू बी प्रूव्ड थ्रू डेमोंस्ट्रेशन. और फिर ये थ्योरी जो है इसको प्रमाण इसको कार्य में दिखाना चाहिए. यस, सो व्हाट हैपेंड हियर इज दैट गॉड नॉट ओनली गेव द वर्ड ऑफ प्रोफेसी बट डेमोंस्ट्रेटेड इट बाय सेंडिंग हिज ओनली बिगॉटन सन
to die for you and me, even when we were enemies with God. और यहाँ पर हम देखते कि सिर्फ भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर के बारे में बताया नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपना प्रेम का प्रमाण जो है इस प्रकार से दिया कि पिता ने अपना एक लौता पुत्र जो है इस संसार के लिए भेजा, और जब हम शत्रु थे प्रभु हमारे लिए, प्रभु यीशु क्राइस्ट हमारे लिए मरा. So in this time his righteousness, we need to understand that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. और फिर उसी के धार्मिकता के द्वारा कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराना वाले हो. So he is the one who justifies us. और वही एक है जो हमें धर्मी ठहराता है. Why does he? What gives him the capabilities of justifying us? और उसे क्या वो क्षमता देता है कि हमें धर्मी ठहराए? Because he is the one who justifies. क्योंकि वो एक ही है जो धर्मी ठहराता है. He was just. क्योंकि वो धर्मी था. And paid the price for sin on our behalf. और फिर हमारे तरफ से पाप की कीमत जो है उसने दे दी. So all those who believed on Jesus. और जो कोई प्रभु यीशु क्राइस्ट पर विश्वास करता है will not go through judgment but will stand justified. और वो न्याय से नहीं जाएंगे बल्कि धर्मी ठहराए जाएंगे. Even if there are thousands and thousands of accusations that Satan will bring against them. और फिर अगर हजार और हजार उंगलियां अगर आप पर उठाई जाएगी या शैतान भी उठाएगा. Even then Jesus would say I have paid it all in full. और फिर भी प्रभु यीशु क्राइस्ट कहेगा कि हर बातों के लिए मैंने कीमत चुकाई है. Yes, the next reason why we preach is because of what the gospel is. और दूसरा कारण हम प्रचार करते क्योंकि सुसमाचार जो है इसके वजह से. It's a good news. और ये एक सुसमाचार है. And it is God's power unto salvation. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है उस उद्धार के लिए. So much this power. It's the gospel as the power. और ये सुसमाचार जो है एक सामर्थ्य से भरा हुआ है. It is not a promise of man that fails every day. और ये मनुष्य का अभिवचन नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है कि वो चूकता है. Because it's got the power to save mankind. और इसमें सामर्थ है मनुष्य जाति का उद्धार करना करने के लिए. chapter 1 verse 16 says, और रोमियों का पहला अध्याय और 16 वचन कहता है. Please read that, brother. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. Yes, for I am not ashamed of the gospel of Christ. और मैं परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए लज्जित नहीं हूं. I'm bringing the message of grace and mercy from God. और फिर परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और दया का संदेश मैं लेकर आता हूं. I'm bringing the gospel which is a good news for man. और मैं वो सुसमाचार लेकर आता हूं जो मनुष्य जाति के लिए सुसमाचार है. A righteousness that is revealed to me by God. और जो धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए प्रकट हुआ है. A righteousness that does not depend upon human understanding. और वो धार्मिकता जो मनुष्य की समझ पर नहीं है. Neither does it depend upon the culture and the tradition of men. और क्योंकि मनुष्य का जो रीति रिवाज है उस पर निर्बल नहीं है. A righteousness that has come to us straight from heaven. और ये धार्मिकता जो हमें प्राप्त हुई है जो स्वर्ग से आई है. A good news that has come to mankind. और ये सुसमाचार जो मनुष्य जाति के लिए आई है. A hand of friendship that came down to us from heaven. और स्वर्ग से एक मित्रता का हाथ जो है हमारे लिए आया. So I am not ashamed to preach the gospel. और मुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती परमेश्वर का वचन प्रचार करने की. For I am not ashamed of the gospel of Christ. और प्रभु यीशु क्राइस्ट का जो सुसमाचार है उसके बारे में मैं मुझे लज्जा नहीं आती. For it is the power of God to salvation. और ये परमेश्वर का सामर्थ है उस उद्धार के लिए. For everyone who he believes. क्योंकि जो कोई भी विश्वास करता है. You see, power means something that keeps you away from fear. और सामर्थ का अर्थ ये है कि जो हमें भय से दूर रखता है.
power is something that doesn't hold you back but gives you the upward charge. और फिर सामर्थ्य का अर्थ ये हुआ कि हम पीछे नहीं हटते बल्कि आगे बढ़ते और कार्य करते. You see that now when we talk about horsepower. और जो उस घोड़े का सामर्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं, when we talk about motors and engines, we talk about horsepower. और फिर जो मोटर हो, इंजन हो, ये हॉर्स पावर जिसके बारे में जब हम बात करते हैं. So when we stand alone, जब हम अकेले खड़े रहते हैं, and there is no horsepower to pull us, और ऐसा घोड़े का सामर्थ्य नहीं हमें आगे खींचने के लिए, we will be there for years together, और वहां पर हम सालों साल वहां पर ही रहेंगे. But the moment we understand the gospel, और जिस समय हमें वो सुसमाचार समझ में आता है, we receive that power to move forward. और हम वो सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं आगे बढ़ने के लिए. We are not ashamed of the gospel, but we are now proud of what God has done for me. और हमें सुसमाचार के बारे में लज्जा नहीं आती, बल्कि हमें वो घमंड आता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया. We will talk about the power of God. और हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे. Salvation to everyone who believes. और उद्धार हर एक के लिए जो विश्वास करता है. From every class, every creed, every color. और हर एक प्रकार के जो स्तर हो, हर एक प्रकार के रंग क्यों ना, हर एक प्रकार की जातियां क्यों ना हो. Whatever be the status of man, the power of God comes to save. मनुष्य का स्तर क्यों कुछ भी क्यों ना हो, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य. And it says to the for the Jew first and also for the Greek. और फिर वो कहते हैं यहूदियों के लिए प्रथम और फिर यूनानियों के लिए लिए भी उद्धार निप. Now I want you to talk about how many of you know that there is a power station by Tata's in Trombay. कितने लोग जानते हैं कि एक पावर स्टेशन जो टाटा की ओर से ट्रॉम्बे में है. Now if we know that the first power will come to Trombay and Chembur and this area. और पहला ये पावर जो है ट्रॉम्बे और चेंबूर में आएगा. Okay. And then it goes out to other parts of Mumbai. और फिर जो है मुंबई के दूसरे भाग में जाएगा. Okay. But does it mean that we receive more power and they receive less power? इसका अर्थ क्या ये हुआ कि चंबूर या ट्रॉम्बे में रहने वाले लोगों को अधिक सामर्थ्य मिलता है, पावर मिलता है और बाकी लोगों को कम? Suppose we can use a 100 watt bulb, but the one in Borivali has to use only 40 watt. Is it like that? कि अगर चंबूर में रहने वाले लोग या ट्रॉम्बे में रहने वाले अगर 100 वोल्ट का बल्ब यूज करते वापरते तो बोरोवली में रहने वाले क्या 40 वोल्ट का बल्ब इस्तेमाल करेंगे? नो, दे आल्सो हैव द सेम कैपेबिलिटीज, दे कैन. और उनके पास भी वही क्षमता है. सो द गॉस्पेल व्हेन इट केम टू द ज्यूज, इट केम बिकॉज़ द पावर स्टेशन जीसस क्राइस्ट वाज अ ज्यू. और फिर यहूदी लोगों के लिए ये सामर्थ्य इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त की वजह से. Because he was a Jew. क्योंकि वो एक यहूदी था. So the power started from there. और इसके लिए सामर्थ्य जो है उसकी शुरुआत वहां से हुई. Because he was there in Jerusalem. क्योंकि वो यरूशलेम में था. Asked the disciples to wait in Jerusalem after his ascension. और शिष्यों को कहा कि आप यरूशलेम में रहो उसके आने तक. Why did they have to wait? और क्यों उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी? Till they receive power. जब तक उनको वो सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता. The moment they received power, और जब वो सामर्थ्य जब उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त किया, they became witnesses in Jerusalem. और फिर वो यरूशलेम में गवाह हुए. Judea, Samaria and the uttermost part of the world. फिर हम देखते हैं जूडिया समेरिया और जगत के अंत तक वो प्रचार किया. And there too the power of God was working with same intensity as it was in Jerusalem. और वहां पर भी परमेश्वर का सामर्थ्य जो है उसी क्षमता में काम कर रहा था. So it is the power of God to और ये परमेश्वर everyone who believes. और हर एक विश्वास करते हैं. Do you know God will give you the same power which he gave Peter and John? क्या आप जानते हो जो पत्रस और यूहन्ना को जो सामर्थ्य वही सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा. In the name of Jesus rise up and walk. यीशु मसीह के नाम से उठ और चलने लग. He will give you the same power which he gave Paul to preach the gospel. और उन्होंने जो पॉल को जो पौलुस को जो सामर्थ्य दिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए.
to be an apostle and establish the churches. और फिर एक प्रेरित हो जाओ और कलीसिया की स्थापना करो. See, the gospel is not just a decorative thing. और सुसमाचार जो है एक सजी हुई चीज नहीं है. It is the power, it moves and causes us to move. और वो एक सामर्थ्य है, वो आगे बढ़ता है और हमें भी कहता है आगे बढ़ने के लिए. Now the next reason why we preach the gospel. और दूसरा कारण हम सुसमाचार क्यों प्रचार करते हैं? Because of what Christ is. क्योंकि जो क्रिस्त है. Yes, the theme of the gospel and the judge of all men is Christ. और सुसमाचार का नाम और न्याय करने वाला वो सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त है. Let's look at Romans chapter 1 verse 3. और रोमियो इसका पहला अध्याय और तीसरा वचन. अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ. Yes. First of all, who is Christ? फिर क्रिस्त कौन है? Concerning his son Jesus Christ our Lord. और जब तो जब उसका पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त है. Who was born of the seed of David according to the flesh. जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ. He was one who was born a Jew. और वो एक यहूदी हो के उसका जन्म हुआ. He was born in a from a Jewish line. और फिर उसका जन्म जो है ये यहूदी पीढ़ी से हुआ. Yes, let's look at verse chapter 2 and verse 16 of Romans. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा. Yes. Now, what was the king supposed to do those days? और उन दिनों में राजा को क्या करना था? He was like a judge. और वो एक न्यायाधीश के समान था. He had to judge. You see, we know about the very famous judgment which King Solomon gave. और उसको न्याय करना था. और हम सुलेमान का उस न्याय के बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण था. And so here we find that he is of the line of David, who's a kingly or a royal line. फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म जो है वो दाऊद के उस घराने से पीढ़ी से आता है जो राजकीय घराना था. Yes, according to the flesh. और उस देह के अनुसार. Yes, so according to the flesh, he comes from the line of David. और उस देह के अनुसार वो दाऊद की पीढ़ी से आता है. And then we find that on that day, God will judge the in Romans chapter 2 and verse 16, it says, in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. That means God will be on the judgment throne. और इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर जो है उस न्याय के सिंहासन पर होगा. And all the secrets of men will be judged. और मनुष्य की सारी गुप्त बातें जो है उसका न्याय होगा. Secrets are done in the dark places. और गुप्त बातें जो है वो अंधकार में की जाती है. What is happening in your mind? क्या आपके मन में हो रहा है? What is happening in your heart? आपके दिल में क्या हो रहा है? How is it manifesting when your hands are concerned? और किस प्रकार से वो प्रकट होता है जब हाथ के बारे में बातें होती है? The sins of the thought, word and deed. और सोच और हमारे कार्य और विचार के जो पाप होते हैं. So all of this will stand in judgment before God. और ये सारे बातें गुप्त बातें जो है वो परमेश्वर के सामने आएंगे उस न्याय के दिन. So when we are judged, जब हमारा न्याय होगा, there it says that God will judge the secrets of men by Jesus Christ. और मनुष्य की गुप्त बातें जो है वो प्रभु यीशु क्रिस्त उनका न्याय करेगा. Yeah, so we must understand that I want to preach the gospel for who Christ is. और मुझे सुसमाचार प्रचार करना है इसलिए कि जो क्रिस्त है. He came, he brought the righteousness of God to us.
और वो आया और परमेश्वर की धार्मिकता उसने हमारे लिए ले आया। Yeah, because our righteousness was not taking us anywhere. क्योंकि हमारी धार्मिकता जो है हमें कहां पर भी ले नहीं जा रही थी। So he brought his righteousness to us. तो उन्होंने अपनी धार्मिकता हमारे लिए ले आया। So when we obey what his word and believe in him, जब हम उसके वचनों का आज्ञा का पालन करते हैं और उस पर जब हम विश्वास करते हैं, then our sins are already paid for. और तब हमारे पाप की कीमत जो है वो चुकाई गई है। And so we also have the privilege of becoming righteous because we believe in him. फिर हमें भी एक सौभाग्य मिलता है, हम धार्मिक बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से। But here once again we find that this because man will be judged, we need to preach the gospel. मनुष्य का न्याय होगा क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। So anybody on the street we see, अगर हम किसी को भी अगर सड़क पर देखते हैं, a person may look righteous but he is not righteous. दिखने में एक व्यक्ति धार्मिक दिखाई देगा पर वो धार्मिक नहीं है। Because all have sinned and fallen short of the glory of God. सारों ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से वंचित है। There could be a Zacchaeus. फिर एक Zacchaeus हो सकता है। There could be a Paul who's persecuting the people. वहां पर पौलुस हो सकता है जो लोगों को सता रहा है। There could be John or James as well. वहां पर यहोन्ना और याकूब भी हो सकता है। So the gospel is preached because of who Christ is. और सुसमाचार का प्रचार इसलिए होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके लिए। Now the next thing is why do I preach the gospel? Because what we Christians are and trustees of the gospel. और फिर हम सुसमाचार क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि हम मसीह है और उस सुसमाचार पे भरोसा करते हैं। Yes, we are trustees means God has given us this wealth of the gospel so that we can put it to good use. और परमेश्वर ने ये धन जो सुसमाचार का है जो हमें दिया है जिसका हम इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकते हैं। You see, a very simple thing that Jesus showed about the three talents which he gave to the three different people. और फिर परमेश्वर ने एक साधारण सी बात जो बताई, तीन गुण जो उसने तीन लोगों को दिया है। Yes, we find that the first one was able to double it. और पहले वाले को हम देखते हैं उसने दुगना किया। We see the second one also was able to double it. और दूसरा व्यक्ति ने भी उसको दुगना किया। But the third one was an unfaithful servant. और तीसरा जो है अविश्वसनीय सेवक था। You can call him as an unfaithful trustee of what God had given him. और आप उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं अविश्वासी भरोसेमंद जो परमेश्वर ने उसे दिया था। Why did God give the gospel? परमेश्वर ने क्यों दिया है? Why did he give it to us? और परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? So that we can give this gospel to our fellow men. ताकि हम जो है हमारे पड़ोसी या हमारे साथ में जो है उसको हम सुसमाचार दे सके। Or just imagine a postman receives your letter. आप सोचो कि अगर एक पोस्टमैन को आपका पत्र मिल जाता है, and he takes the letter and keeps it safe in the post office. और उस पत्र को लेकर उस डाक घर में उसको सुरक्षित रखता है। If the boss asks him, he says, no, it is safe. अगर बॉस पूछता है वो कहेगा नहीं वो सुरक्षित है। He says that is not for you. और वो कहते कि ये आपके लिए नहीं है। You are not supposed to keep it safe. और आपको इसे सुरक्षित नहीं रखना है। You are supposed to give it to the person to whom it is belonging to. और आपको ये पत्र देना है जिस व्यक्ति के लिए वो है। So the gospel has been given to us. और सुसमाचार जो हमें दिया गया है। So that we don't sit over it. ताकि हम उस पर ना बैठे। But we are supposed to go and give it. ताकि हमें जाकर वो सुसमाचार देना है। To whom? और किसको देना है? See, we are in debt to our fellow men. और हमें जो है हमारे जो पड़ोसी दोस्त उनको हमें जाके ये देना है। हम उनके कर्जदार हैं। Can you imagine that letter was given for them? और ये पत्र जो है उनके लिए दिया गया है। It was we received, done, job is done. और हमने प्राप्त किया, काम खत्म हुआ।
But after that, it is laid upon us to give this gospel to the next one. फिर ये हम हम पर जिम्मेदारी डाली गई है कि ये सुसमाचार हम जाके दूसरों को दे. You see, let us see this. What did the people, the wise guys with the 3 talents and the 2 talents do? और ये उस बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास 3 गुण थे और 2 गुण थे, उन्होंने क्या किया? They doubled it. और उसको दुगना किया. That means one believer. और एक विश्वासी ने doubled it and caused another to believe. और उसने और 2 विश्वासी को ले आया. Yes, one person brings another. एक व्यक्ति जो है उस दूसरे व्यक्ति को प्रभु में ले आता है. Is it a big target? क्या ये बड़ा लक्ष्य है? You know, whole lifetime to bring one more person to the Lord. और पूरे जीवन प्रणाली में और एक व्यक्ति को प्रभु में लाना क्या बड़ा लक्ष्य है? Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो? And every power, every resource from heaven is given to you to fulfill what God has called you to do. और पूर्ण सामर्थ्य जो है और हर बातें जो है स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको दिया है इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए. Mark the person, pray for the person. एक व्यक्ति को उसको चुन लो, उसके लिए प्रार्थना करते रहो. See that there will be an occasion where you can present the gospel to him. और ऐसा एक समय देखो कि आप परमेश्वर का सुसमाचार उनको बता सके. Preach the gospel at funerals. और सुसमाचार जब मयत होते तब आप प्रचार करो. Preach the gospel at birthdays. और फिर जब जन्मदिन होता है तब आप सुसमाचार प्रचार करो. Preach the gospel at weddings. और फिर शादियों में भी आप सुसमाचार का प्रचार करो. There is so much opportunity that the Lord has given us to preach the gospel. और बहुत सारे सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए. And it is not for us to keep. और वो सुसमाचार हमारे पास रखने के लिए नहीं है. It is meant to be given. और वो हमें देने के लिए दिया गया है. Suppose now you take 1,000 rupees from your friend. और आपके मित्र से आप 1,000 रुपया ले लो. Yeah, he has given you as a time of benefit. You needed some problem. You needed to go through a situation. He gave you 1,000 rupees. और आप कुछ परिस्थिति से जा रहे थे, तो उसने आपको वो 1,000 रुपये दिया. Your problem was solved. फिर आपकी समस्या सुलझ गई. And after that. और उसके बाद. Now it is time for you to return. और अभी आपका समय आया है उसको वापस करने के लिए. That is called being indebted to that person. और इसका अर्थ यह हो कि आपको उस व्यक्ति का लिया हुआ वापस देना है. Yes. So until and unless I return. और जब तक मैं उसको वापस नहीं करता. My heart will keep telling me you have to return, you have to return, you have to return. और फिर मेरा दिल कहता रहेगा कि मुझे उसको देना है और देना है. Unless one is a thief. और जब तक अगर एक व्यक्ति चोर है तो अलग बात है. But normally he will want to return his friend what he had given to him. और सामान्य रूप में जो मित्र ने मुझे दिया है मैं उसको फिर से लौटाऊंगा. So when I received the word of God. जब मैं परमेश्वर के वचनों को प्राप्त कर लेता हूँ. I received help in my time of need. और मेरी जरूरत में मुझे एक मदद मिलती है, सहायता मिलती है. When I was in sin, shame and death. जब मैं पाप में था, जब मैं लज्जा में था, जब मैं मृत्यु में था. God's grace came upon me and saved me from my situation. और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आया, मेरा उद्धार हुआ और उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाला गया. So God, the Lord is saying. यहाँ पर परमेश्वर कहता है. You can't return it back to me. और आप मुझे फिर से लौटा नहीं सकते. So go and give it to someone whom I love. और आप जाकर किसी को दो जिससे मैं प्यार करता हूँ. Yes. Similarly, suppose you had borrowed that 1,000 rupees from a friend. और आपने वो 1,000 रुपया आपके मित्र से उधारी में लिया था. And that friend helped you. और वो मित्र ने आपकी सहायता की, मदद की. And now you want to return it to that friend. और आपको उस दोस्त को वापस लौटाना है. That friend will say. और वो मित्र कहेगा. Don't give it to me. You give it to that other friend.
और आप मुझे मत दो, उस दूसरे मित्र को दो. He is in need today. और आज उसको जरूरत है. That's why we preach the gospel, because we enjoyed the fruit of the gospel. Now we want to give it to those who are suffering and are in need under sin, shame and death. और फिर हमें जब सुसमाचार मिला, उस सुसमाचार का आनंद हमने लिया है. अभी हम क्या करते, इस आनंद को हम बांटते, सुसमाचार को बांटते, जैसे हम पाप से, लज्जा से, मृत्यु से बाहर निकले, उसी प्रकार से वो भी निकले. Yes. So what God has done, He doesn't want it back. और जो परमेश्वर ने किया है हमारे जीवन में, वो फिर से नहीं चाहता है. इधर हम लौटा नहीं सकते. Amen. We can't give Him because that was too much, right? So He says, now do one thing, take this grace and give it to your friend. अभी परमेश्वर कहता है कि ये अनुग्रह को लो और दूसरों को जाके दो. Now how do you go? फिर आप कैसे जाएंगे? The Bible calls us as ambassadors of Christ. और पवित्र शास्त्र हमें एक राजदूत कहते हैं. What does an ambassador do? और एक राजदूत जो है वो क्या करता है? First of all, he represents the nation to which he belongs. और जिस राष्ट्र का वो है उसकी प्रतिनिधि करता है. That means the kingdom's stamp is upon his life. क्योंकि वो राज्य का छक्का जो उसके जीवन पर है. So if we are ambassadors of Christ, अगर हम क्रिस्त के राजदूत हैं, तो whose stamp are we carrying? और किसका छक्का लेकर हम आगे बढ़ते हैं? Whose character are we displaying? और किसका चरित्र हम दिखाते हैं? What are we showing? To which kingdom we belong? और किस राज्य के हम हैं जो हम बताते हैं? So as an ambassador of Christ, और एक क्रिस्त का राजदूत होने के, when I take the gospel to a friend, और मैं जब सुसमाचार एक मित्र के पास लेकर जाता हूं, I go in the nature of the kingdom of Christ. और फिर क्रिस्त का राज्य का स्वभाव जो है उसको लेकर मैं जाता हूं. What is this kingdom about? और ये राज्य किसके बारे में है? Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में. Why are we joyful in the Holy Ghost? और हम क्यों आनंदित है पवित्र आत्मा में? Because he is alive and working in our lives. क्योंकि वो जीवित है और हमारे जीवन में कार्य कर रहा है. So he will also help us to bring the word. और वो हमारी सहायता करेगा उस वचन को ले आने के लिए. And confirm it through signs, wonders and miracles. और फिर वो चिन्ह चमत्कार के द्वारा बताएगा कि मैं उनके साथ हूं. So what kind of an ambassador I am? और किस प्रकार का राजदूत मैं हूं? I am an ambassador of Christ. I show the nature of Christ. और मैं क्रिस्त का राजदूत हूं और उसके स्वभाव को दिखाता हूं. Let's look at Romans chapter 1 verse 5. रोमियो के पत्र इसका पहला अध्याय 5 वचन को देखेंगे. उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने. Yes, received grace and apostleship. Yeah, for obedience to the faith among all nations for his name. What is अनुग्रह? Where does all of this come to us from? और ये सारी बातें जो हमें कहां से आती है? It comes to us from the Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर से आती है. When I receive all of these things in my life, और जब मैं इन सारी बातों को मेरे जीवन में पा लेता हूं, by the grace of God, I become an apostle. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं एक प्रेरित हो जाता हूं. Who is an apostle? फिर एक प्रेरित कौन है? It's not a title. और फिर ये एक शिक्षक नहीं है. It is about work. और ये जो एक कार्य के बारे में है. Apostle means the one who is sent by God. और प्रेरित वो है जिसको परमेश्वर ने भेजा है. Now tell me, if you have received the grace of God, अगर आपने परमेश्वर के अनुग्रह को अगर प्राप्त किया है, if you have received the salvation of God, अगर हमने प्रभु यीशु क्रिस्त का उद्धार पाया है, you have received the righteousness that comes through Jesus Christ, और हमने उस धार्मिकता को पाया है जो परमेश्वर की ओर से आती है, then you and I are apostles, one we are sent to preach the gospel.
और हम और आप जो एक प्रेरित है जिसको सुसमाचार का प्रचार के लिए भेजा गया है। Don't wait for the leadership to call you an apostle. और राह मत देखो कि जो अगवे आपको कहे कि आप प्रेरित हो। Because who gave you this grace? फिर आपको यह स्थान किसने दिया है? No leader gave you this grace. और कोई भी अगुवा ने आपको यह स्थान नहीं दिया है। This grace you have received from the Lord Jesus Christ himself. और ये अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह के ओर से आपने पाया है। Now one thing an apostle is known for. और प्रेरित एक बात को जाना जाता है। His obedience to the faith. और उसका आज्ञाकारी उस विश्वास के लिए। And when he walks in obedience. और जब वो आज्ञाकारी में चलता है। He causes the nations to walk in obedience to Christ. और पूरा राष्ट्र जो है परमेश्वर के आज्ञाकारी में चलता है, एक उदाहरण बन जाता है ये। And so he is used mightily by God. और इसलिए परमेश्वर बहुतायक से इसका इस्तेमाल करता है। Because he steps out with that obedience. और उस आज्ञाकारी से वो कदम बाहर निकलता है। In Romans chapter 1 verse 14 it says. और रोमियो इसका पहला अध्याय और 14 वचन कहता है, मैं यूनानी और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। Yes, I am a debtor of Greeks and to barbarians both, wise and to unwise. So Greeks were considered to be the educated and the most intellectuals of that time. और जो यूनानी थे उस समय के बुद्धिमान लोगों में उनकी गिनती किया जाती थी। Yes. And the barbarians. और जो अन्य जाति के लोग जो है, the barbarians were the ones who were very violent. They always wanted war and fight and so on. और फिर ये जो अन्य भाषाओं के जो लोग थे, जो क्रोधित थे और हर वक्त युद्ध करना चाहते थे। He says, I am debtor to both. और वो कहते हैं कि मैं इन दोनों का कर्जदार हूँ। Both to wise and unwise. और जो बुद्धिमान है और जो निर्बुद्धियों का भी मैं कर्जदार हूं। Now let's look at 2 Corinthians chapter 5 and verse 20. दूसरा करिन्थियों के पत्र इसका 5 अध्याय 20 वचन को हम देखेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Yes. So who are we again? We are ambassadors of Christ. और हम कौन है? हम परमेश्वर के स्वर्ग दूत है, राजदूत है। Yes. That means when I go there and I'm pleading or I'm presenting the case of Christ, it's almost as though Jesus Christ is doing it himself. और जब मैं जाता हूँ और विनती करता हूँ या निवेदन करता हूँ मसीह को। And what did he say? उसने क्या कहा? Forgive them, Father. उसने कहा, पिता उनको क्षमा कर। For they do not know what they do. क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। So when I go there and minister as an ambassador of Christ. अब जब मैं वहां पर जाता हूँ, सेवकाय करता हूँ और एक परमेश्वर के राजदूत के समान। What do I bring there? फिर वहां पर मैं क्या लेकर आता हूँ? I bring them the forgiveness and the love of Christ. हम वहां पर क्षमा और परमेश्वर के प्रेम को ले आते हैं। Because that saves them from their sin and death. और वो उनका उद्धार करता है उनके पाप से। Lastly, I want to see from verse 1 Corinthians chapter 1 and verse 23. पहला करिन्थियों के पत्र, हालेलुया, थैंक यू। Verse 23. Paul 23 वचन कहता है, Paul gives the content of his preaching. और पौलुस जो है उसके प्रचार का बातों को बताता है। Very simple, in one phrase he writes. और एक ही वाक्य में वो लिखता है, But we preach Christ crucified. और हम क्रिस्त का प्रचार करता है जो सूली पर लटका हुआ है। That's it. I am not preaching anything else. I preach Christ crucified. और मैं कोई और चीज का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्रचार करता हूँ क्रिस्त के बारे में जो सूली पर लटका हुआ। Yes, if I don't preach Christ crucified, अगर हम क्रिस्त जो सूली पे लटका अगर हम प्रचार नहीं करते, then all my talking is of waste. फिर मेरा सारे बात करना जो है वो व्यर्थ है।
We can talk about good things which Jesus did. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अच्छे काम किए हम बता सकते हैं. We talk about his miracles. और उसके चमत्कार के बारे में हम बताते हैं. We can talk about the sermon on the mount and the preaching that we received. और उस पर्वत पर जो प्रचार जो हमने प्राप्त किया उसके बारे में हम बता सकते हैं. We can talk about the Lord, the prayer that the Lord taught the disciples. और फिर हम उसके बारे में प्रचार कर सकते हैं जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई अपने शिष्यों को. That's what we hear on all around this earth. और पूरे संसार भर में हम इसको सीख रहे. Unless we preach Christ crucified, our preaching is not complete. और जब तक हम प्रचार नहीं करते क्रिस्ट का जो सूली पे लटका हुआ है आपका प्रचार अधूरा है. Some can also say Jesus is the healer. कोई इस प्रकार से भी कह सकता है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट चंगा करने वाला है. Some can say, okay, he's the one who can bring a gold coin from a fish's mouth. और कोई इस प्रकार से भी कह सकता है कि मच्छी के मुंह से एक सोने का सिक्का लेकर आ सकता है. We can talk about the paralytics healed, the blind eyes opened. और फिर वो हम इस प्रकार से भी कह सकते जिसको लकवा हुआ वो ठीक हुआ अंधा ठीक हुआ. But unless we preach Christ crucified, our preaching is not complete. जब तक हम प्रचार नहीं कि क्रिस्ट उस सूली पर लटका हुआ था तब तक हमारा प्रचार जो है वो अधूरा है. His main purpose to come on this earth was to die for mankind. और उसका उद्देश्य इस संसार पर आने के लिए ये था कि वो इंसान के लिए मरे. So that no man could perish if he believes in him. ताकि किसी भी व्यक्ति का नाश ना हो बल्कि उन्हें अनंतकालिक जीवन मिले. So Paul says, I preach Christ crucified. पौलुस कहता है मैं क्रिस्त जो सूली पे लटका हूं उसके बारे में प्रचार करता हूं. The Jews are stumbling block. क्योंकि यहूदी जो है वो एक रुकावट है. And to the Greeks, foolishness. और जो यूनानी जो है वो मूर्खता. Yes, because Jews were caught up in their traditions and cultures. और जो यहूदी लोग जो अपने रीति रिवाज में जकड़े हुए थे. And so did not want to see a righteousness that comes from God. और इसलिए वो देखना नहीं चाहते थे जो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आती है. And the Greeks were kind of, you know, the thinkers of that time. और यूनानी लोग उस समय के अधिक सोचने वाले लोग थे. And they could not understand how Jesus can die for those who were his enemies. और फिर प्रभु यीशु क्रिस्त किस प्रकार से मर सकता है उनके लिए जो उसके शत्रु थे. But yet Paul says, I preached Christ crucified. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं प्रचार करता हूं उस क्रिस्त के बारे में जो सूली पर लटका हुआ है. No other died for us the way Jesus did. दूसरा कोई भी नहीं मरा उस प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए मरा. No one loved the way the Lord loved us. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उस प्रकार से किसी ने भी हमसे प्रेम नहीं किया. No one chose us the way the Lord chose us. और किसी ने भी हमें नहीं चुना जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना. Isn't it time that we preach the gospel? क्या समय नहीं आया परमेश्वर के वचन को लोगों को बीच में बताने के लिए? Shall we pray? ये समय कि हम परमेश्वर Can we pray now? क्या हम अभी प्रार्थना करें? Father, we thank you, Lord, for the burden that you have laid upon our hearts to preach the gospel. पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये बोझ जो आपने हमारे दिल पर डाला है कि हम आपका सुसमाचार प्रचार कर सके. Lord, once we were enemies with you. परमेश्वर, एक समय हम आपके शत्रु थे. But yet you showed your love towards us. फिर भी आपने आपका प्रेम हमारे और दिखाया प्रभु. You had every right to judge us. आपके पास एक सिद्ध अधिकार था हमारा न्याय करने के लिए. But yet you caused mercy to triumph over judgment. और प्रभु दया ने प्रभु आपने हम पर दया की कि न्याय पर दया ने विजय प्राप्त किया. Lord, this afternoon we pray. और आज दोपहर को परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं that this precious gospel will allow us to share
with others. और ये मौल्यवान सुसमाचार जो है हम दूसरों को बांट सके. So that this manna would remain fresh all the time. ताकि ये मन्ना जो है वो हर वक्त ताजा रहे. The one which came down from heaven. और एक जो स्वर्ग से इस धरती पर आया. The bread of life, Jesus Christ. जो जीवन की रोटी है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त है. Thank you, Lord, for this time you gave us. धन्यवाद प्रभु ये समय आपने दिया. And may Lord your presence continue to minister and comfort us even throughout this week. और प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम आपका सुसमाचार इस हफ्ते भर में प्रचार कर सके. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करें.